महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद से। मेरे ब्रांड का नेम है क्रीम एंड जॉय आइसक्रीम, और महाराष्ट्र में हम लोग आइसक्रीम इंडस्ट्री के अलावा काफ़ी कामकाज करते हैं, लेकिन आइसक्रीम में क्रीम एंड जॉय का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो है, मैं आइसक्रीम इंडस्ट्री पे महाराष्ट्र पे प्रेसिडेंट हूँ, इंडिया पे वाइस चेयरमैन हूँ, और स्मॉल स्केल के लिए हम लोग इधर इकट्ठा पूरे जमे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से 12-14 स्टेटों से लोग आई हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आए हैं, मशीनरी वाले आए हैं, उसके अलावा जो है रॉ मटेरियल सप्लायर आए हैं। जो भी आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड, जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, सभी स्टॉल्स एक जगह जो लाया गया है, ये काफ़ी सराहनीय कदम PMIM को देना पड़ेगा कि उन्होंने इस टाइप के इवेंट हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कामकाज योगदान इनका रह रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है हर जगह के पूरे इंडिया लेवल के सब लोगों को एक साथ लाने का जो काम चल रहा है, और उस वजह से हम लोग एक जगह आते हैं, हमारी अलग अलग डेवलपमेंट के लिए बेनिफिट्स मशीनरी के लिए मिल रहा है, कंसल्टेंसी से मिल रहा है, पैकेजिंग मटेरियल वालों से है। तो ये एक 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 एक, एक प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के लिए खड़ा हो रहा है, एक बहुत बड़ा अच्छा कदम हमारे लिए मिल रहा है। और जिस हिसाब से इंडिया की आइसक्रीम इंडस्ट्री की ग्रोथ 25% से लगभग 20-25% जा रही है, तो इस टाइप के इवेंट्स ये हमेशा उसमें योगदान देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये शो तो बहुत ही बेहतरीन हुआ है, इसके स्टॉल्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज जो है बहुत सही तरीके से हुए हैं, और दिल्ली जैसे सिटी में एक सराहनीय कदम होगा कि आजू बाजू के सभी स्टेटों के लिए भी। हम लोग जैसा महाराष्ट्र से हैं, आज महाराष्ट्र और दिल्ली का डिस्टेंस जो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस होने के बावजूद भी महाराष्ट्र से काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हैं, गुजरात से लोग जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, तो इस टाइप का कदम जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये पहला इवेंट इतना सक्सेसफुली जा रहा है, तो आने वाले काम के लिए मैं आगे शुभकामनाएं देता हूँ कि स्मॉल स्केल के लिए ऐसे हर जगह इनका शो, PMIM का कामकाज आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और इंडस्ट्री के लिए योगदान ऐसा ही इन लोगों का हमेशा मिलता रहे।